अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो जी, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी स्किन से किस तरह से सन टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, आपको फॉलो करना है। हफ्ते में आपको इसको 2 टाइम्स यूज़ करना है, जिससे आपकी स्किन से कम्प्लीटली सन टैनिंग रिमूव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी ईजिली घर पर भी मिल जाती हैं जो इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो जी, हम जो सबसे पहले चीज़ लेंगे, एक बाउल और हम एक ब्रश ले लेते हैं। तो हमने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है। मेरे पास यहाँ पे पेंटीन का ये ब्लैक वाला शैम्पू था, लेकिन आपको वाइट मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेनी है। ब्लैक शैम्पू है मेरे पास, इट्स ओके, बट वाइट शैम्पू होता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो नेक्स्ट आपने जो इसमें यूज़ करना है वो है रोज़ वाटर। फ्यू ड्रॉप्स आपने रोज़ वाटर के ऐड करने हैं। ओके, और नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ यूज़ करेंगे वो है ग्लिसरीन। ये तो बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन को, हमारे हैंड्स फीट को सॉफ्ट कर देती है। बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस अगर किसी की स्किन पे हो तो वो बिल्कुल इस तरह रोज़ वाटर, लेमन और ग्लिसरीन का मिक्सर एक बना के रख लें टोनर टाइप, और उसको अपने हैंड्स पे लगाएं और उनके हैंड से ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, इसके हमने बस फ्यू ड्रॉप्स ही लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो है नेस्कैफे। तो मैं इसमें कॉफ़ी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है लेमन। लेमन को आपने हाफ़ कट कर लेना है, और इसके भी फ्यू ड्रॉप्स ही आपको चाहिए होंगे इस रेसिपी या फिर रेमेडी में। तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ही ड्रॉप्स हमें चाहिए लेमन के। उसके बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये लिक्विड ज़्यादा पतला लगे तो आप इसमें कॉफ़ी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। तो इसमें हम थोड़ी सी कॉफ़ी और ऐड कर देंगे। ठीक है, आप कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, या फिर आपको जो भी मिल जाए इजीली आप वही इसमें यूज़ कर लें। इसका नहीं है कोई भी इशू कि आप कौन सी कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, हमारी स्किन पे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं यूज़ करने के लिए। तो मैं अभी अपने हैंड पे इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो कॉफ़ी के थोड़े बहुत वो दाने ज़रे टाइप है चीज़, उसको आपने फाइन कर लेना है थोड़ा। ये सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर किया करें, कमेंट भी करें। तो आपने इस तरह से इसको लगा लेना है। जब तक मैं लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लगाने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये ड्राई नहीं होता आपने इसको लगाए रखना है
गर्मियों में तो ये जल्दी हो जाएगी, लेकिन सर्दी हो तो आप इसको जल्दी ड्राई नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपने इसको फुल ड्राई करना है। ये आपकी स्किन से रिंकल्स वगैरह भी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। तो हम आते हैं इसको ड्राई करने के बाद। तो जी ये देखें, इसका ये फाइनल रिज़ल्ट है जो मैंने 15 मिनट्स के बाद इसको वॉश किया है। तो देखें किस तरह मेरा स्किन, मेरा हैंड इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, और ये मेरा दूसरा हाथ है, ये देखें दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वॉश करने के बाद अच्छे से साफ़ कर लें, आप अपने हैंड को ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है अपने हैंड पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी भी ऐसी अच्छी वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे दुआओं में रखिएगा। याद अल्लाह हाफिज़।